इन्होंने एक एग्रीमेंट की चर्चा की है, उसके बाद उसी समय जो एग्रीमेंट 2000 के बाद 2001 या 2002 में फिर एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर बाकायदा ये बताया गया कि कहां कहां से पानी अवेलेबल होगा। पहले पानी के कहां से अवेलेबल लेना है इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल उसमें पानी का बंटवारा किया गया था, इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, इतना पानी राजस्थान को मिलेगा, इतना अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से, पांच, आपने ठीक कहा कि पांच प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन पानी कहां से मिलेगा यह नहीं था। फिर से जो एक समझौते में तय किया गया कि हथनीकुंड से इतना मिलेगा, ओखला से इतना मिलेगा, वो शायद 1900 कुछ क्यूसेक पानी हथनीकुंड से उनका मिला हुआ था। लगातार फिर इसमें कई विवाद चलते रहे, विवादों में ये था कि उनका प्रो रेटा पानी यानी जितना पानी अवेलेबल होगा उसका प्रोपोर्शनेटली हरियाणा और राजस्थान और बाकी सब लेंगे। इस पर हरियाणा का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हरियाणा की जितनी आवश्यकता है, जो हमारी उस समय कैपेसिटी थी 13,000 क्यूसिक की, हमें 13,000 क्यूसिक पहले दे दो, बाद में पानी आपका बचता तो आप हथनीकुंड से ले लो। संयोग से बाद में हरियाणा का स्टैंड ये रहा कि हमें अपना पानी चाहिए, पूरा चाहिए। आगे चल करके हमने उस 13,000 को पहले 18,000 किया कि 18,000 अब हमारा हो गया, अब 18,000 हमको चाहिए, इसके बाद आपको मिलेगा। ये झगड़ा उस समय से यही चल रहा था, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार का यही स्टैंड था कि हम पहले हरियाणा का पानी पूरा करके फिर बचता है तो आपको मिलेगा। इस बीच में हमने अपने हरियाणा के लोगों की सहूलत के लिए या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी अब कर ली है 24,000 क्यूसिक, जो पहले उस समय 13,000 क्यूसिक थी, आज हमारी अपना सिस्टम हमने उसको अपग्रेड किया है तो हो गया 24,000 क्यूसिक। देखा जाए तो उस समय हमारा स्टैंड 13,000 का था, 13,000 के बाद भी हम हाँ कर चुके थे, लेकिन इतने साल समझौता नहीं हुआ। आज हमारी कैपेसिटी 18,000 तो हम ले रहे हैं, अगला जो WGC के आधार पर जितना नया उसका प्रारूप बन रहा वो है 24,000, और आज हमने ये कहा है कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे, 24,000 के ऊपर अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, जमुना में चला जाता है, उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं। मात्र 15 से 20 दिन पानी ऐसा होता है जो वर्षा के दिनों में 6-6 लाख 8-8 लाख क्यूसिक पानी आ जाता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर दिया, फिर हमने कंडीशन लगाई है कि उसके बाद भी अगर ऊपर होता है तो उसमें 1/4 पानी हम लेंगे।